ओके, फाइंड थ्री रिपीटर मशीन्स दैट विल डू द सेम वर्क एज 64. तीन निकालने ऐसे हैं जो 64 के लिए सेम काम करें. फैक्टर्स ऑफ 64 आर, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टू, और कौन सा फैक्टर है, फोर एंड एट. जिसको हम पावर कुछ ले तो 64 आ जाएगा. 64 टू में देखें, टू रेस टू पावर 6 होता है. फोर क्यूब इज 64, फोर फोर आर 16, इंटू फोर 64, एट स्क्वेयर इज 64. सो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 64 आर 2, 4 एंड 8. 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू 64, 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 64. सो हेंस थ्री रिपीटर मशीन्स हमें ड्रॉ भी करने के लिए कहा है. सो फर्स्ट विल बी 2 की पावर 6, सेकेंड विल बी 4 की पावर 3, एंड थर्ड रिपीटर विल बी 8 की पावर 2. सो थ्री रिपीटर मशीन दैट वुड वर्क एज 64 विल बी 2 रेस टू पावर 6, 4 रेस टू पावर 3 एंड 8 रेस टू पावर 2. दीज आर थ्री पॉसिबल रिपीटर मशीन्स. नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द फॉलोइंग मशीन डू टू अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ चॉक. वन, पावर 100. अगर इसमें 2 सेंटीमीटर एक पीस डाला है चॉक का, तो वो वन मतलब सेम होके ही निकलेगा, क्योंकि वन इंटू पावर कुछ भी हो डेट विल बी वन. सो इफ वी इंसर्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ चॉक, द पीस ऑफ चॉक रिमेन्स द सेम. द पीस ऑफ चॉक रिमेन्स सेम रहेगा, क्योंकि उसको वन से मल्टीप्लाई करके ही वो दे रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं था. इन अ रिपीटर मशीन विद जीरो एज एन एक्सपोनेंट, किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1. वी नो दैट लॉ कि जीरो रिपीटर मशीन में अगर एक्सपोनेंट की तरह काम करे, द बेस मशीन इज अप्लाइड 0 टाइम. 3 की पावर 0 1, 13 की पावर 0 1, 29 की पावर 0 1. व्हाट डू दीज मशीन्स डू टू द पीस ऑफ चॉक दैट विल रिमेन द सेम. पीस ऑफ चॉक रिमेन्स द सेम, क्योंकि उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ विल रिमेन सेम. व्हाट डू यू थिंक द वैल्यू ऑफ 6 रेज टू पावर 0 दैट इज 1 बाय यूजिंग दिस लॉ. ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. ये लॉ को अप्लाई करेंगे तो 6 रेज टू पावर 0 भी होगा 1. यू हैव सीन दैट हुकअप ऑफ रिपीटर मशीन विद द सेम बेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रिपीटर मशीन. सिमिलरली, when you multiply exponential expression with the same base, you can replace them with the simple expression. जैसे 2 raise to power 4 into 2 raise to power 3. अगर same base वालों को हम multiply करते हैं, तो हम इसको single expression में लिख सकते हैं, 2 raise to power 7 by using the law of exponents, right? Now shrinking machine. अगर हम इसमें कोई बड़ी आइटम डालेंगे, वो श्रिंक होके छोटी हो जाएगी, कंप्रेस होके. इन अ श्रिंकिंग मशीन अ पीस ऑफ स्टिक इज कंप्रेस्ड टू रिड्यूस इट्स लेंथ. इफ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग सैंडविच इज पुट इनटू द श्रिंकिंग मशीन बिलो, हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग विल इट बी व्हेन इट इमर्जेस. तो सो क्या आएगा, लेंथ ऑफ सैंडविच 9 सेंटीमीटर थी, तो हमें फाइंड करनी है अब कितनी बच गई. 9 सेंटीमीटर थी, 1/3 रेज टू पावर -1. सो अप्लाई द लॉ, क्या बन जाएगा, 1/a^(-m), 1/a^(m), 3^1, 9 × 3, 20 सेंटीमीटर. व्हाट हैपेंड व्हेन 1 सेंटीमीटर वॉर्म आर सेंट थ्रू दीज हुकअप्स. ओके, सो अगर मैं 1 सेंटीमीटर था, तो अब वो कितनी लेंथ हो गई उस वॉर्म की. सो क्या रिजल्ट आएगा इस केस में, 1 सेंटीमीटर × 2^-1 × 2^-2, 1 × 1/2, 1/2 स्क्वेयर. सो 1/2 × 1/4, 1/8 डिवाइड करो, 8 × 2 = 16, 4 × 40 = 85. सो पहले 8 × 1 = 8, 125 सेंटीमीटर. डिवाइड करके देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन हो.
इसमें कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर ओरिजिनल थी, अब इसमें हमें मुझे ये मेंशन नहीं है, तो लेट इट बी 2 रेस टू पावर x, 2 रेस टू पावर -1, आई कैन राइट 2 रेस टू पावर माइनस एज 1/2, उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, सो x की पावर आ गई 1, तो यहाँ पे मतलब इसकी पावर होगी 1, ठीक है, तो वो ओरिजिनल ही रहेगी उसकी 1 सेंटीमीटर अगर ये हुकअप्स होते हैं। चलो नेक्स्ट पे मूव करें। संजय पुट अ 1 सेंटीमीटर स्टिक ऑफ गम थ्रू दिस मशीन, हाउ लॉन्ग वाज द स्टिक व्हेन इट कम आउट? सो लेंथ ऑफ स्टिक, फाइनल लेंथ क्या आएगी? 1 सेंटीमीटर उसने डाली थी 1 × 3 रेस टू पावर -2 वाली मशीन में, 1/3 स्क्वायर, सो 1/9 यूनिट वाज सेंटीमीटर, सो 1/9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अजय हैड अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ गम, ही पुट इट थ्रू अ रिपीटर मशीन गिवन बिलो एंड इट केम आउट कम। तो 1 सेंटीमीटर उसने डाली थी और होके आया 1/1, 2, 3, 4, 5, सो 10 रेस टू पावर 5, आई कैन राइट इट एज 1/10 रेस टू पावर 5, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो आंसर विल बी 1। तो 1 सेंटीमीटर जब उसने डाली तो इट कम्स आउट 1/10 रेस टू पावर 5, व्हाट इज द मिसिंग वैल्यू? तो दिस मिसिंग वैल्यू विल बी 5, ठीक है, सो श्रिंकिंग मशीन है, इट इज 1 × 10 रेस टू पावर 5 टाइम श्रिंकिंग मशीन, सो पावर विल बी 5, मिसिंग जो वैल्यू है दैट इज 5। फाइंड अ सिंगल मशीन दैट विल डू द सेम जॉब एज द गिवन हुक अप। ओके, 2 रेस टू पावर 3 मशीन फॉलोड बाय 2 रेस टू पावर -2, ये दो मशीन्स लगाई हैं, इनकी जगह अगर मुझे एक सिंगल मशीन लगानी हो तो कौन से लगाऊंगी? तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे करो अप्लाई, x^m × x^n, x^m+n, 3 + -2, सो 2 रेस टू पावर 1, तो फर्स्ट केस के लिए वी विल अप्लाई 2 रेस टू पावर 1 सिंगल मशीन। सो क्या लिख सकते हो आप? रिपीटर मशीन कैन डू द वर्क इज इक्वल टू दिस दिस, सो 2 रेस टू पावर 1 मशीन कैन डू द सेम वर्क। अब इसमें देखें बी पार्ट में, 2 रेस टू पावर 4 × 1/2 स्क्वायर, सो 2 रेस टू पावर 4 आ गया 16, 1/4, सो 4, आंसर इज 4, दैट इज 2 स्क्वायर, या आप इसको बाय यूजिंग एक्सपोनेंट एंड पावर लॉ को अप्लाई करते हुए फाइंड करो, डिवाइड का लॉ अप्लाई किया हमने, सो 2 रेस टू पावर 2, सो 2 रेस टू पावर 2 मशीन विल डू द सेम वर्क एज दीज बोथ मशीन्स आर डूइंग। नेक्स्ट, 5 रेस टू पावर 99 फॉलोड बाय 5 रेस टू पावर -100, मल्टीप्लीकेशन वाला लॉ अप्लाई किया, सो 5 रेस टू पावर -1, सो कौन सी मशीन इसमें? 5 रेस टू पावर -1 मशीन विल वर्क द सेम विल डू द सेम वर्क एज दीज टू मशीन आर डूइंग। यहां तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड अ सिंगल रिपीटर मशीन दैट विल डू द सेम वर्क, वेरी इजी, 2 स्क्वायर × 2³ × 2 बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 4 + 3 + 2, 2 रेस टू पावर 9, इन तीनों की जगह अगर एक 2 रेस टू पावर 9 मशीन लगा दी जाए वो सेम वर्क करेगी। नेक्स्ट इज 100 स्क्वायर × 100 की पावर 10, एट द पावर सेम बेस है, तो इन दो मशीन की जगह एक मशीन लगाई जाए 100 रेस टू पावर 12 की, तो डेट विल डू द सेम वर्क, 7/10, 7 पावर 10, 7 रेस टू पावर 50, सो एट द पावर 50 + 10 = 60 + 1, 7 रेस टू पावर 61। अब आप इसको लिखोगे कैसे? एक पार्ट के लिए बता रही हूं, रिपीटर मशीन कैन डू द वर्क इज इक्वल टू, तो ये लिखोगे पूरा। नेक्स्ट, सो मल्टीप्लाई 2 रेस टू पावर 9, सिंगल मशीन कैन डू द सेम वर्क। नेक्स्ट पार्ट, 3 रेस टू पावर y मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर y, एट द पावर्स बेस इज सेम, सो 3 रेस टू पावर 2y,
सो मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर 2 वाई, सिंगल मशीन कैन डू द सेम वर्क, 2 रेस टू पावर 2, 1/2 क्यूब, 2 रेस टू पावर 4, ऊपर पावर्स को करो ऐड, 2 रेस टू पावर 6, अब डिवीजन का रूल अप्लाई किया, सो 2 रेस टू पावर 3 मशीन विल डू द सेम वर्क, 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 स्क्वायर, इसमें क्या आया, 1/4, 3 स्क्वायर इज 9, 1/36, या आप अगर एक्सपोनेंट पावर में बात करो तो वी कैन राइट लाइक दिस, 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, एक्स की पावर एम वाई की पावर एम, एक्स इंटू वाई की पावर एम, सो 1/6 स्क्वायर विल डू द सेम वर्क। ठीक है, इजी है, बस समझना और कुछ नहीं। चलो एक ये क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए। फॉर ईच हुकअप डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिंगल रिपीटर मशीन दैट विल डू द सेम वर्क, इफ सो डिस्क्राइब एंड ड्रॉ इट। अब यहाँ पे बेसिस सेम, पावर्स हो जाएंगी एड, तो यहाँ पे एक सिंगल मशीन हो जाएगी 7 रेस टू पावर 5 वाली, तो इस केस में पॉसिबल है इन दो की जगह एक सिंगल मशीन लगा दे। नेक्स्ट इज 2 रेस टू पावर 3, 3 रेस टू पावर 2, ना तो बेस सेम है ना ही पावर्स सेम है, तो इसके लिए कोई एक सिंगल मशीन ऐसी नहीं लगाई जा सकती जो इन दोनों का काम कर दे। नेक्स्ट इज 2 स्क्वायर 1/3 क्यूब, 5 रेस टू पावर 4, सारे बेस भी डिफरेंट है पावर्स भी डिफरेंट है, तो इसके लिए भी कोई एक सिंगल मशीन नहीं लग सकती। नेक्स्ट में देखें, बेस इज सेम एट द पावर्स, सो 0.5 रेस टू पावर 5 की एक सिंगल मशीन लग गई विद द 0.5 पावर 5 कैपेसिटी के। नाउ बेस इज सेम 12, 2+3 एट द पावर्स, सो देयर विल अगेन अ वन सिंगल मशीन विच कैन डू द सेम वर्क एज दीज टू मशीन आर डूइंग 12 रेस टू पावर 5 की। यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकते हो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द चैट बॉक्स। नो, तो आज हम यहाँ पे करते हैं फिनिश, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, आई थिंक 1 या 2 दिन और लगेंगे इसके एग्जाम्पलर को, 180 क्वेश्चंस आर देयर।